हमने जिस तरह से पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ किया है, वैसे ही बदलाव शहरी छोटी सरकार में किए। जैसे पंचायती राज पहले शिक्षित की, इनको भी शिक्षित किया, फिर इसमें एक स्टेप आगे और गए कि मेयर और चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट कराना शुरू किया। तो अभी जो इनकी जिस तरह से हमने सुधार करके और डायरेक्ट जनता के नज़दीक ले जाने का काम किया, उसी के अनुरूप जो नियम है संचालन के, उसमें किस प्रकार से हमारे मेयर्स को, चेयरपर्सन्स को मजबूती मिले, उसके लिए एक होमवर्क आज यहाँ किया है। राजीव जैन जी, मनीष ग्रोवर जी और सभी मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, सीनियर डिप्टी मेयर्स, उनके सुझाव लिए हैं और ऐसी एक रिपोर्ट बनाकर वो शहरी विकास मंत्री अनिल विज को सौंपेंगे, जिससे उस प्रकार के रूल्स में कुछ परिवर्तन आए, जिससे हमारे मेयर्स की ताकत, हमारे हाउस की ताकत वो बढ़े। दूसरा, कुछ संचालन के सुधार की प्रक्रियाएं हैं जिनकी चर्चा की है। तीसरा, बहुत सारे विभाग काम करते हैं नगरीय क्षेत्र में, उनके आपसी तालमेल की चर्चा भी की है। इनका खुद का सामर्थ्य बढ़े, उसकी भी चर्चा की है। तो उस सब की चर्चा हुई है। इसके लिए हमने बहुत सीनियर लोगों को, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत नगर परिषद से की, नगर निगम से की, ऐसे लोगों को भी बुलाया। जैसे हमारे कृष्ण पाल जी गुर्जर, केंद्रीय मंत्री, बहुत वर्षों तक वो नगर निगम में पार्षद के नाते से काम करते रहे, उनके अनुभव सबके साथ साझा हुए। ऐसे ही ज्ञानचंद जी गुप्ता, वो चंडीगढ़ के मेयर रहे और मेयर्स की एसोसिएशंस के अध्यक्ष रहे, उनके भी हमने विचार लिए। ऐसे ही अभी जो चंडीगढ़ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी मेयर रहे, उनके भी हमने जो है सुझाव थे वो लिए। ऐसे ही मनीष ग्रोवर जी, ये भी हमारे पार्षद से जीवन शुरू करके राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। तो ऐसे सब लोगों को भी, ऐसे जिनका ज्ञान इस क्षेत्र में काफ़ी गहरा और अनुभव का था, उन सबको बुलाया और हमने विज साहब को भी बुलाया, शहरी विकास मंत्री को, कि ये सब हमने आज की वर्कशॉप की है, इसमें से जो सुझाव निकले वो सुझाव हम आपको सौंपेंगे, जिससे हमारी नगरीय सरकारें और अच्छा